दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो आप लोगों को पता है जैसा कि कल 19 तारीख को ट्राइबल की वर्ग दो की मेरिट लिस्ट आनी थी फाइनल, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाई है। तो अब उसका कारण क्या है, ये ट्राइबल वालों को मतलब मेंशन कर देना चाहिए था कल ही, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो परेशान रहे दिन भर, उन्हें साइट विजिट की, साइट को दिन भर चेक करते रहे, लेकिन कोई लिस्ट का कोई भी अनाउंसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे नोटिस नहीं दिखाई दे रहा है कि लिस्ट क्यों नहीं आई है। ठीक है, और ये उनको पहले से ही मेंशन कर देना चाहिए था कि लिस्ट कब आएगी या किस टाइप से आएगी, यानी कब कितने दिन बाद आएगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। आप देख सकते हैं वो भी DPI का ही वेट कर रहे हैं कि DPI जो है 5 तारीख को यानी 5 मई को क्या अपडेट देता है, उसके हिसाब से ये आगे करेंगे। यानी अगर आप बात करें कि लिस्ट कब आएगी, तो लिस्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट आ सकती है अब अपनी 5 मई के बाद, है ना, 5 मई के बाद ही आ सकती है, उसके पहले कोई पॉसिबल नहीं है। और अगर आप देखें तो हमें अपडेट कब मिलेगी, तो यहाँ पे अपडेट देखने को मिल सकती है 1-2 दिन में कि यहाँ पे क्या अपडेट होने वाली है, क्या रीज़न रहा कि लिस्ट जो है वो नहीं आई। बाकी ड्राइवर वालों को ये कर देना चाहिए था। और एक भी आपने देखा होगा कि एक बहुत तेज़ी से एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, इसमें लिस्ट के बारे में कुछ कहा गया है, तो मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में लिस्ट जो है आ सकती है, लेकिन इस ऑडियो का हम कुछ नहीं बोल सकते। ऑडियो एक टाइप से फर्जी है, यानी ये जो जब सत्यापन प्रक्रिया चल रही थी अभी वर्ग एक की और वर्ग दो की स्टार्ट हुई थी, उस टाइम का ये ऑडियो बताया जा रहा है। तो देखते हैं हमें कब अपडेट मिलती है देखने के लिए। तब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अभी जो आने वाली अपडेट है वो आपको मिल सके, और अपने फ्रेंड के साथ भी इस शेयर को, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओके, मिलते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में।